गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायो जियो केमिकल साइकल्स. व्हाट आर दिस बायो जियो केमिकल साइकल? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज आर कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस टॉपिक दैट आर सॉइल विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटीरियल. ओके, तो चलिए इसके बारे में हम सॉइल के बारे में, ठीक है, देन मिनरल्स के बारे में हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि किस टाइप से ये मिनरल्स जो है कैसे सॉइल में आते हैं इनऑर्गेनिक की फॉर्म में, ठीक है, और कैसे डिकम्पोज किए जाते हैं रॉक से, किस तरीके से आपकी रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है. तो ये सारे टॉपिक हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, तो आज का हमारा कंसेप्ट जो वो बायो जियो केमिकल साइकिल की स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम इनके बारे में देखेंगे. चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ बायो. बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग. ओके, ऑल लिविंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन अ बायो, ठीक है. तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं जिनमें लाइफ है उन्हें हम बोलते हैं बायो. ओके, जियो केमिकल क्या आ गए आपके, अर्थ सरफेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, एयर है आपकी, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें रॉक आ जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, वाटर है, एयर है, तो ये सारे आपके क्या आ जाते हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है और ये हमारे लिविंग कंपोनेंट है. अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है बायोस्फेयर में, ठीक है, यही मिलके हमारी क्या करते हैं, साइकिल्स फॉर्म करते हैं. तो डिफरेंट टाइप के साइकिल के बारे में देखेंगे. अब साइकिल्स एक्चुअली में होता क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है. ओके, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक्चुअली मैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती कैसे है, ठीक है. मैंने तो आपने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जब हमारी रॉक जो है वो बिदरिंग प्रोसेस से क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है आपकी सॉइल में, ठीक है. तो इसी को, इसमें से क्या होता है, अब इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, और जब भी इसकी विदरिंग होगी ये टूट जाएगी स्मॉल पार्टिकल्स में, तो ये एयर में, मतलब ये जो सॉरी आपकी सॉइल है, ठीक है, इसमें चली जाएगी, तो मिनरल्स आपके सॉइल में चले जाते हैं. एक तो ये है. सेकंड थिंग, अब ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एक्चुअली में है क्या, यानी कि आपके ये जो इनऑर्गेनिक मटीरियल है ये कैसे आपके जाते हैं सॉइल में. तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एक्चुअली में होती क्या है. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब है जहाँ से चीज़ चलेगी वहीं पर पहुँच जाएगी. तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए, ये है आपकी सॉइल जो हमने बोला कि रॉक की जब बिदरिंग होगी, ठीक है, तो ये रॉक जो आपकी वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी. अब इसमें क्या है, आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है प्लस आपके मिनरल्स हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये आपके प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये सॉइल वाला रीजन है, टॉप सॉइल जो है इसमें आपको पता है ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और ये आपकी क्या होती है, सबसे फर्टाइल लेयर है, और स्मॉल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो ये आपकी टॉप लेयर में. अब देखिए यहाँ से ये क्या कहता है ना, इसको मिनरल्स मिल जाते हैं. कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से, और सॉइल से कैसे लेगा प्लांट मिनरल्स, ये रूट्स के थ्रू. ओके, तो अब इसको मिनरल्स मिल गए, ठीक है, वाटर के थ्रू, वो रूट के थ्रू जो सॉइल से लेके प्लांट में चले जाएंगे, और ये सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से यहाँ पे अपना फूड बना के रख लिया. अब यहाँ पे इसका फूड बन गया. इस फूड को आपको पता है कौन खाते हैं, इस फूड को खाते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है. एनिमल्स भी कौन से, हमारे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं, घास खाने वाले हैं, ठीक है, प्लांट लीव्स को खाने वाले एनिमल है वो हर्बीवोर्स होते हैं. तो वो अब इन प्लांट को खाएंगे, तो आपको पता है ये मिनरल, ये जो इन्होंने खाए हैं, ठीक है, जो इन्होंने सॉइल से कंज्यूम किए थे, अब इनको कहाँ चले गए, हर्बीवोर्स में चले गए. अब इनको जो दूसरे लार्ज एनिमल होते हैं वो उनको खाते हैं, जिनको कार्निवोर बोला जाता है, ठीक है, अब वो उनको खाएंगे,
ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे टाइगर हैं आपके, लॉयन है, ठीक है, टॉप कार्निवोर, तो जब ये खा जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जब ये टाइगर आपके लॉयन जो हैं वो मर जाएंगे यानी कि डेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ डीकम्पोजर होते हैं। आपको पता है सेप्रोट्रॉफ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डीकम्पोजर होते हैं लाइक एल्गी देन फंगाए, ठीक है, ये आपके होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल है ना, या आपके लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, फ्लावर हैं, तो वो जब सड़ने लगेंगे तो ये उनको सड़ाने में यानी कि उनको क्या करेंगे, अब उनके बीच में जो क्या था, ऑर्गेनिक मटीरियल था जो आपके, अब ये खा रहे हैं ना ये सारे एनिमल, अब इनके मतलब जो बॉडी में ऑर्गेनिक कंटेंट है, अब इसको क्या है, ये तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में आप देखते हो कहीं पे एनिमल मरा हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसकी सिर्फ बोन्स ही रह जाती है। अब जो उसकी बॉडी का मास है वो कहाँ जाता है, उसको ये धीरे धीरे डिकम्पोजर होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटीरियल पर डिपेंड करते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उस मास को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में। यहाँ पर ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो आपका ये ऑर्गेनिक कंटेंट जो किस में चेंज हो जाता है, इनऑर्गेनिक में, लिक्विड फॉर्म में, और आपको पता है जब वो खत्म हो जाएगा तो सिर्फ वहां पे बोन्स ही रहेंगे और सारा मटेरियल वो कहां जाएगा, अब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल कहां चला जाएगा, सॉइल के अंदर, देखिए यहाँ पे चला गया ना सॉइल में, अब सॉइल से फिर प्लांट इसको क्या कर लेंगे, रूट्स के थ्रू जो है यहाँ पे ले लेंगे इसको, ठीक है। तो आप देख रही हो यहाँ पे न्यूट्रिएंट, देखिए जहाँ से चले थे प्लांट से, ठीक है, इस एनिमल ने खाया हर्बीवोर्स को, फिर इन लार्ज एनिमल्स ने यानी कि आपके ये कार्निवोर्स ने खाया इनको, ठीक है, और कार्निवोर्स से जब ये मर गए तो उसके बाद डिकम्पोज किया और फिर से इनऑर्गेनिक बन के ये सॉइल में चले गए। तो आप देख रहे हो न्यूट्रिएंट जहाँ से चले हैं वापस क्या है, सॉइल में ही पहुँच गए, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल होती है कि चीज़ जहाँ से चलती है वापस जो है वो वहीं पर आ जाती है, तो इसी को न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोला जाता है। अब डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में हम देखेंगे और इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को ही हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। चलिए वाटर साइकिल की बात हो रही है, ठीक है, तो वाटर का ही क्या होना है, यहाँ पे साइकिलिंग होनी है, यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स एक्चुअली में क्या है, रीसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब इनकी की जाती है, क्या करेंगे यहाँ पे, रीसाइकिलिंग की जाती है, ठीक है, किसकी की जाएगी, न्यूट्रिएंट की, ये जो मैं आपको बताया, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होंगे फिर इसको प्लांट कर, तो इनकी रीसाइकिलिंग की जाती है, कैसे करेंगे, थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट मिलके जो बायोस्फीयर में है, तो उसी को बायो जियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोला जाता है। चलिए तो फर्स्ट साइकिल देखते हैं वाटर, चलिए तो वाटर साइकिल है ना यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा ओशियन वाला रीजन, हम इसको सीधा नाम दे देंगे क्योंकि लेक्स रिवर सभी का नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सीधा नाम दे दिया हमने इनको वाटर बॉडीज। अब ये कोई सी भी बॉडीज हो सकती हैं, रिवर्स हैं आपकी, लेक हैं, ओशियन हैं, ठीक है, पॉन्ड है, वो सारे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे आपका सन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका सन है तो अब ये क्या करेगा, ये रेडिएशन आएगी यहाँ से, अब रेडिएशन आएगी ना यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी आ रही है। अब जब इसको हीट एनर्जी मिलेगी तो आपको पता है किसी भी चीज़ को गर्म करके तो उसके क्या निकलते हैं, इवेपोरेट होती है ना वो, तो यहाँ से देखिए इसके वेपर्स निकलेंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो गई, इवेपोरेशन, ठीक है, आपका यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वो भाप बन के मतलब वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन हो गई। अब आपको पता है यहाँ पे आपके प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स में भी तो प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। ये देखिए ये जो आपके लीफ है इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे ये क्या करते हैं, पोर्स जो है वाटर जो है इसके इवेपोरेट होता रहता है बाहर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, पूल थ्योरी के बारे में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए वाटर का लॉस होता है और ये जो लॉस ऑफ वाटर है इसी को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। अब ये भी वेपर की फॉर्म में कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कहाँ जा रही हैं, एटमॉस्फेयर में। आपको पता है एयर है यहाँ पे, अब एयर अपने साथ कैरी कर लेती है इन वाटर वेपर्स को, ठीक है, तो वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी,
ओके, जब क्लाउड बन चुका है वहाँ पे, तो आपको पता है अब ये एक्सपेंड करती है ना धीरे धीरे, हमने पिछले देखा वहाँ पे रेन फॉर्मेशन और क्लाउड में, तो वहाँ पे देखिए ये आपके अब कैरी किए हैं एयर जो वो लाइट वेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, और साथ में वाटर ड्रॉपलेट को भी कैरी करके जा रही है, तो क्लाउड बना दिया उसने, और क्लाउड जब काफ़ी हैवी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये कंडेंस करेंगे यानी कि ठंडे हो जाएंगे थोड़े, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये क्लाउड में से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में गिर जाएंगे, यानी कि रेन फॉर्मेशन हो जाएगी, तो पानी कहाँ जाएगा, इन्हीं वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा। अब आप देख रहे हो पानी जहाँ से चला था ना, देखो इवेपोरेशन हुई, प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन हो रही है, ठीक है, एयर में जा रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हुई, देन कंडेंसेशन, यहाँ पे रेन फॉर्मेशन हुई, और रेन भी आपकी कहाँ पे आ रहा है, वाटर बॉडीज़ में, तो आपकी एक साइकिल बन गई, मतलब चीज़ जहाँ से चल रही है वापस वहीं पर आ जा रही है, चीज़ ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, कहीं पर क्या हुआ आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर जहाँ से चीज़ चलती है वहीं पर वापस आ जाती है, इसी को न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी वाटर साइकिल, आपने देखा वाटर जहाँ से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन, और कैसे कंडेंस होके रेन की फॉर्म में वापस वाटर बॉडीज में आ गए। चलिए नेक्स्ट साइकिल की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन साइकिल। तो ये डिफरेंट टाइप साइकिल्स हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अब आपको पता है ये जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ पर है, एटमोसफेयर में, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन जो है वो एटमोसफेयर में प्रजेंट है, और आपको पता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये है आपके मतलब 21% है ये आपके में। और देखिए ऑक्सीजन की साइकिल कैसे चलती है, आपको पता है इसको कौन यूज़ करेगा, एनिमल्स यूज़ करेंगे, देन ह्यूमन बीइंग, हम भी तो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन भी यूज़ करेंगे। अब देखिए जब इसका यूज़ किया जाएगा ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग जब ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, कुछ तो एटमॉस्फेयर में जा रही है, कुछ उसका प्लांट यूज़ कर रहे हैं, ये तो करेंगे, ये कब करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, जो डे टाइम में होगी, लेकिन ये भी प्लांट भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं नाइट टाइम में, नाइट टाइम में जब ये फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ये फोटो रेस्पिरेशन जब इनमें होती है प्लांट्स में, ये होती है आपके नाइट टाइम में, तो ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में है तो यहाँ से ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये भी फिर फॉर्म करेंगे, मतलब इस तरीके से क्या है, ये साइकिल जो है आपकी चली रहती है, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का यूज़ एनिमल्स ने किया, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये फॉर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, जब इन्होंने क्या करा, ठीक है, जब ये क्या करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है, इसके आगे मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाली साइकिल में बताती हूँ, वहाँ पे भी कनेक्टेड है चीज़ें, तो यहाँ पे देखिए जब ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन जो वो यहाँ से बाहर क्या कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, अब ऑक्सीजन चली जाएगी आपकी एटमोसफेयर में, या फिर ऑक्सीजन के ये जो बनी हुई है आपकी, ठीक है, इसको क्या है, एनिमल ह्यूमन बींग भी यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन साइकिल बन जाती है सारी, ठीक है, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है, वहाँ से एनिमल ह्यूमन उसका यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में डे टाइम में प्लांट यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाएंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का यूज़ जो वो ह्यूमन कर लेंगे या एनिमल्स कर लेंगे, और बाकी जो है एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का साइकिलिंग भी पूरी हो रही है, ठीक है, जहाँ से चीज़ें चलती हैं साइकिल में वहीं पर फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम साइकिल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए हम देखेंगे नाइट्रोजन, सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में, N2 की फॉर्म में है ना, ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं, अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं आपके, ठीक है, कुछ प्लांट है जो क्या करते हैं कार्बन डाइ मतलब ये जो आपके सॉरी नाइट्रोजन है इसको फिक्स करने का काम करते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं आपके फलीदार पौधे, ठीक है, फलीदार कौन से, जैसे बीन्स है आपकी, ठीक है, मटर है, ये जितनी भी पल्सिस है वो सारी ही आपकी इंक्लूड हो जाती है
लेग्यूमिनस में। अब ये जो प्लांट होते हैं हमारे, अगर इनकी रूट्स को देखें तो इनमें क्या होते हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पे नोड्यूल्स होते हैं, इस तरीके के गांठें बनी होती हैं, ठीक है। और ये जो आपकी नोड्स जैसे दिख रहे हैं, ये गांठें दिख रही हैं, ठीक है, जिनको नोड्यूल बोला जाता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अब ये जो नोड्यूल होते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम आपने पढ़ा होगा राइजोबियम। अब ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है इसको ये N2 की फॉर्म में नहीं ले सकता प्लांट। अब आपको पता है एटमोसफेयर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन तो वहाँ पे 78% है, लेकिन वो इसको इस फॉर्म में इसको नहीं ले सकता N2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके नोड्यूल्स में, ठीक है, रूट्स के ये जो नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, तो इनमें क्या है, ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। अब ये N2 को यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इसकी फिक्सेशन करेगा तभी तो उसको क्या करेगा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया अब ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगा जो एटमोसफेयर से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया हमारा, राइजोबियम, नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये फिक्स करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है, N2 को ना, अब ये जो N2 एटमोसफेयर थी मैं थी वहाँ पे, ये बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में। ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, यानी कि अमोनिया फॉर्म हो गया आपका, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका अमोनिया बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो अमोनिया को जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देन नाइट्राइट्स जो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो आयनिक फॉर्म है ना, ये देख रहे हो आप NO2 नाइट्राइट, यहाँ पे NO3 नाइट्रेट की फॉर्म है। अब इस आयनिक फॉर्म में जो है वो प्लांट हमारे इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। देखिए तो यहाँ पे अब जो हमारे प्लांट नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं वो N2 की फॉर्म में नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, देन जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन, तब इसको लेग्यूमिनस या जो आपके प्लांट है वो इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, नाइट्रेट को जो है वो प्लांट कर लेते हैं यूज़ यहाँ पे। अब देखिए जब ये प्रोसेस हो चुकी है, यहाँ पे नाइट्रेट बन गया है, तो नाइट्रेट के बाद डायरेक्टली ये N2 की फॉर्म में भी चेंज हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट को चेंज कर दिया, किस में चेंज किया, N2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका एक बैक्टीरिया यूज़ होता है स्यूडोमोनास, ठीक है, कई बार बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिए यहाँ नाइट्रेट टू जब N2 में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, यानी कि नाइट्रेट को चेंज कर दिया, किस में, N2 में। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ हुआ स्यूडोमोनास, उसने चेंज किया इसको, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन में भी आपके आ जाते हैं लाइक नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास आ गया, देन नाइट्रोबैक्टर है, ठीक है। तो ये आपके बैक्टीरिया जो वो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। और जब ये लेग्यूमिनस प्लांट आपके डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जब ये प्लांट जो वो मर जाएंगे, ठीक है, डीकम्पोज हो जाएंगे, तो आपको पता है डीकम्पोज होके, ठीक है, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीकम्पोजर इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब डिकम्पोज हो जाते हैं ना प्लांट आपके, तो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, तो अमोनिया फिर आपको पता है नाइट्राइट में होगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, और फिर चला जाता है N2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या है ना, इसका नाइट्रोजन का ये साइकिल जो वो फॉर्म होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फिर से अमोनिया जो वो फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए एटमोसफेयर रीजन में आपकी N2 की फॉर्म में होती है नाइट्रोजन, देन
प्लांट इनको डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो जो आपके लेग्यूमिनस फलीदार पौधे होते हैं, जैसे जितनी भी दालें हैं आपकी, ठीक है, या मटर है, ठीक है, वो सारी बीन्स हैं, तो वो सारी आपकी लेग्यूमिनस में आती है। तो उनकी जो जड़ें होती है ना, रूट्स, उनमें कुछ गांठें होती है नोड्यूल, और उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो वो क्या करता है, इस N2 को चेंज कर देता है, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगा। अब इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसको नाइट्रोजन चाहिए, तो कैसे मिलेगी, N2 के फॉर्म में तो नहीं ले पाएगा। अब इसको फिक्स कैसे करता है, ये क्या करता है ना, इस N2 को चेंज कर देता है किसमें, अमोनिफिकेशन प्रोसेस से अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया में फिर क्या है, यहाँ पे फिर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, नाइट्राइट में चेंज होगा, यानी कि नाइट्रिफिकेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं आपके सॉइल में, जो बाइंडिंग फॉर्म में नहीं होते, फ्री फॉर्म में। देन नाइट्रिफिकेशन करते हैं और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रेट से फिर क्या हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन होगी, यानी कि आपका नाइट्रेट यहाँ पे इसको लूज कर देगा और N2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन होती है सूडोमोनास से। या प्लांट हैं जब आपके ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, डीकम्पोज हो जाते हैं, तो जो उसका मटीरियल है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। अमोनिया से फिर नाइट्राइट बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, और फिर आपका N2 एटमोसफेयर में चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, अच्छे से देखते हैं इसको। चलिए हम नेक्स्ट जो आपकी साइकिल है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, बिल्कुल इजी साइकिल है, ठीक है, जनरल वे में, जो डेली वे में होती है ना चीज़ें, वो ही है सारी, कुछ एक्स्ट्रा आपको रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, एटमॉस्फेयर में सबसे पहले आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ मिलेगी, एटमॉस्फेयर में। हम देख रहे हैं कि कैसे साइक्लिंग हो रही है, चीज़ें कहाँ से चलती है और कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से अब कार्बन डाइऑक्साइड को आपके प्लांट यूज़ कर रहे हैं, प्लांट ने इनको कैसे करा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसने की, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लिया फूड बनाने के लिए। अब इसका ऑर्गेनिक फूड तो बना ही है, ठीक है, इसने ऑर्गेनिक फूड तो बना दिया अपना, साथ में क्या है, ऑक्सीजन फॉर्म कर दी। अब ये जो ऑक्सीजन होगी, इसको पता है आपको, ये एनिमल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ से जब एनिमल्स इसका ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर में। देखिए, बिल्कुल ईजी है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, आपको पता है प्लांट जो वो सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, ठीक है, प्लांट जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो अपना ऑर्गेनिक फूड जो वो बना लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो इन्होंने फॉर्म कर लिया, यानी कि अपना फूड बना लिया, और साथ में जो है ऑक्सीजन निकलती है। अब उस ऑक्सीजन का यूज़ एनिमल करते हैं, और एनिमल जब क्या है अपनी सांस, मतलब अपनी जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये साइकिल, या फिर आपकी जो ऑटो हैं, ऑटो यानी कि आपके व्हीकल्स हैं, एंड फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में भी तो काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है, ठीक है, तो फैक्ट्री में जो एमिशन होता है, जो बहुत सारा स्मोक निकलता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी कहाँ जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो निकलेगी वहाँ से, वो भी कहाँ चली जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, देन यहाँ पे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और फूड के बाद जो ऑक्सीजन भी फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन का यूज़ जो वो एनिमल्स ह्यूमन करेंगे, देन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालेंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ऑटो आपके व्हीकल्स हैं जितने फैक्ट्री में जो है, वहाँ पे भी स्मोक जो निकलता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो भी कहाँ चला जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में। चलिए, तो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इसको कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए, हमने साइकिल्स के बारे में देखा, अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्चुअली में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ठीक है, तो आपने बहुत सारे प्लेसेस पे देखा होगा, ठीक है, ऐसे ग्लास का एक हाउस जैसा बना होता है, ठीक है, इस तरीके से एक ग्लास का हाउस बना हुआ है, और वहाँ पे उसके अंदर ना बहुत सारी यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्लांटेशन जो है वो ग्रो करवाते हैं, ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देखी हुई हैं, ठीक है, तो इस तरीके का, ठीक है, जर्नल वे में बना रही हूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ये जो ग्लास का बना होता है, ठीक है, ग्लास हाउस भी बोल दिया मैंने इसको, या इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस,
अब ग्रीन हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ग्रीन मतलब जो वेजिटेशन है उसको ग्रो करवाते हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोला जाता है। अब होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सबसे पहले ये जो आपका बना होता है हाउस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बना होता है आपका ग्लास का। तो देखा होगा आपने इसका, ठीक है, मोस्टली ये आपने देखा होगा ग्लास का बना होता है। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो क्या करता है, यहाँ से आपकी जो सन है, ठीक है, सन से क्या है अब रेडिएशन आएगी, ठीक है। अब ये जो सन से जो लाइट आती है, यानी कि यहाँ से देखिए ये जो लाइट एनर्जी आ रही है, ये क्या है आपकी लाइट एनर्जी, ओके। देन जब ये लाइट एनर्जी यहाँ पे आती है तो इसको क्रॉस करती हुई, ठीक है, ये कहाँ चल जाती है आपकी, यहाँ वाले सरफेस पे, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो की है तो सॉइल है यहाँ पे, इसका मतलब, ठीक है, सॉइल है, यानी कि ये आपका अर्थ वाला सरफेस है, अर्थ है ना ये आपकी, ठीक है, सॉइल है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाती है, जब ये यहाँ पे पड़ेगी तो ये गर्म हो जाएगी, ये जो आपका अर्थ वाला सरफेस है, और ये इसको दोबारा से री रेडिएट कर देती है, ठीक है, यहाँ से री रेडिएट मतलब अपर साइड में भेज देगी। अब ये अपर साइड में जब जाती है ना, ये री रेडिएट होके यहाँ पे क्या हो गई, री रेडिएटेड। जब ये अपर साइड में जाएगी तो यहाँ पे ग्लास के बाहर ये नहीं जा पाती हैं, सिर्फ यहाँ तक जाएंगी और ये रेडिएशन जो आपकी बाहर ग्लास से नहीं जा पाती हैं, और जब ये रेडिएशन वहाँ नहीं जा पाती हैं तो आपका ग्लास के अंदर वाला रीजन जो है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, और ये जो आपकी री रेडिएटेड रेडिएशन है ना, इनको क्या बोला जाता है, थर्मल, क्योंकि गर्म है वार्म है तो थर्मल बोला गया है, थर्मल सॉरी इंफ्रारेड रेडिएशन, ओके। तो ये आपकी जो रेडिएशन, ये जो री रेडिएटेड हुई इन रेडिएशन को हमने क्या बोला, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन बोला जाता है, और ये रेडिएशन इसको, ये जो अंदर है ग्लास, इसको क्या है बहुत ज़्यादा वार्म कर देती है, गर्म कर देती है, और इनको ग्लास हाउस के बाहर नहीं जाने देती है। अब देखिए ग्लास हाउस के बाहर अगर रेडिएशन नहीं जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा अंदर का टेम्परेचर जो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस टाइप के प्लांट जो वो ग्रो करवाते हैं, जो ट्रॉपिकल प्लांट हैं, जो आपके ट्रॉपिकल प्लांट हैं, ठीक है, जो गर्म रीजन में वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, वो वाले हम यहाँ पे ग्रो करवाते हैं। तो अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, गर्म हो गया, और बाहर वाला जो ग्लास हाउस के बाहर जो कैसा होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट है, कोल्ड है बाहर का। अब देखिए जब ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठंडा एनवायरनमेंट है, तो ग्लास के अंदर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वहाँ पे हम ट्रॉपिकल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप के प्लांट जो वो आप ग्रो करवाते हैं, तो ट्रॉपिकल प्लांट जो है वो उसके अंदर जो वो ग्रो करवाए जाते हैं। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए, तो ये हमने ग्लास की फॉर्म आपने देखा होगा मोस्टली जगह पे बनाए होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रॉपिकल प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करवा रहे हैं, और भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको ग्रो करवाया जाता है। तो यहाँ पे जब सनलाइट की ये लाइट एनर्जी आती है तो ये रेडिएशन क्या है अंदर तक चली जाती है, और यहाँ से जब ये अर्थ वे यहाँ पे टकराएंगी ना नीचे, तो यहाँ से री रेडिएटेड हो जाएंगी, मतलब बैक जाएंगी। अब जो ये बैक जाती हैं तो इस, ये जो आपका ग्लास है इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है, यहाँ तक ही रहती है। अगर अंदर रहेंगी रेडिएशन तो आपको पता है ये यहाँ का क्या हो जाएगा माहौल, जो वो गर्म हो जाएगा ग्लास के अंदर का, तो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इन चीज़ों को। आपने वैसा भी देखा होगा, ठीक है, एग्जांपल अगर बात करें हम यहाँ पे, कई बार हम गाड़ी को क्या है पूरी तरह बंद करके, ठीक है, जब उसकी वो विंडोज़ जो है उनको भी पूरे जो ग्लास की बनी होती है उनको बंद कर देते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब धूप पड़ी हुई है गर्मियों के मौसम में, तो आप देखते हो जब आप अंदर आओगे तो अंदर जो है वो सारी गाड़ी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होती है, तो वहाँ पे भी ये इंफ्रा रेडिएशन जो है वो एक्ट करती है। चलिए अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, उसमें बात करते हैं। देखिए ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये है आपका अर्थ वाला रीजन, ठीक है, ये है अर्थ, और यहाँ पे आ गया ये आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे है आपका एटमॉस्फेयर, और ये बाहर है सन। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे एक्ट करेगा,
ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर कैसे एक्ट करता है। देखिए सन है ना, तो अब सन की ये जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पे आएगी अर्थ के सरफेस तक, ठीक है। ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ये है ना अर्थ हमारी, ठीक है। तो यहाँ तक आएंगी। अब अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी है, N2 है, O2 है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, देन आपके वाटर वेपर हैं, ठीक है, मीथेन गैस है, CF4 है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी, ठीक है, ये सारी गैसेस भी हैं। तो अब ये सारी गैसेस यहाँ पे क्या करती हैं एक्चुअली में, ये एक्ट करती हैं, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन है, CF6 है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसेस जो है एज अ जैसा ग्लास एक्ट करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर में ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लास की तरह एक्ट करती हैं। अब देखिए ग्लास की तरह एक्ट करेंगी तो क्या होगा कि सन की रेडिएशन, यानी कि ये जो आपकी सन की, या इसको बात करें हम लाइट एनर्जी जो है, क्योंकि लाइट ही तो आ रही है सन से, ठीक है, लाइट एनर्जी जो है जब अर्थ की तरफ आएगी ये रेडिएशन, ठीक है, यहाँ पे जब अर्थ से टकराएंगी तो क्या हो जाएगी, री रेडिएटेड हो जाएंगी, ये बैक चलेंगी। ओके, अब यहाँ पे बैक चलती है ना, तो मैंने क्या बोला, ये जो आपकी गैसेस हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन है, वाटर है, तो ये क्या करेंगी, अब ये जो रेडिएशन है इनको इसके बाहर नहीं जाने देंगी, यहाँ पे इनको प्रिवेंट कर लेंगी, ठीक है। इनका काम क्या है, ये प्रिवेंट कर लेती हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी हीट है उसको एस्केप नहीं होने देती, हीट को एस्केप नहीं होने देंगी, एस्केप होना यानी कि बाहर नहीं जाने देगी। अब हीट आपकी यहाँ पे ही रहेगी तो उसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ वाला जो एटमॉस्फेयर वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हमने कौन सी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, कौन सी बताई यहाँ पे, थर्मल इंफ्रा रेड रेडिएशन, ठीक है। तो ये वाली रेडिएशन आप देखिए री रेडिएट होती हैं, इनका नाम हमने बोला थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये वाली जो आपकी गैसेस हैं इसको बाहर नहीं निकलने देती, यहाँ के इस लेवल से बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, एज अ ग्लास एक्ट करती हैं और यहीं पे इनको रोक लेती हैं। और जब हीट यहीं पे रुक जाएगी, आपकी इसके बाहर नहीं जा पाएगी, तो क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए, जब हीट रुक जाएगी तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर जब गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो ही तो हमारे सर्वाइवल के लिए, अब देखिए गुड इफेक्ट पता क्या है इसका, यानी कि हमारी अर्थ जो है, अब ग्लोब है ना ये जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अर्थ जो है जब हीटेड हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाएगी, उसी की वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो गए यहाँ पे वेजिटेशन है, वो सर्वाइव कर रही है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, अगर हम इसका हार्मफुल, ये तो हम देख रहे हैं कि यूज़फुल वे में कैसे है, हार्मफुल ये होगा अगर एनर्जी जो है यहाँ पे एस्केप हो जाएगी, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी आई, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगी, अगर ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, यानी कि एस्केप हो जाएगी, जो यहाँ पे ये आपकी जो गैसेस है वो इसको क्या कर रही है, रोक के रख रही है हीट को, ठीक है। अगर ये रेडिएशन को जाने देंगे, अगर ये बाहर निकल जाएगी रेडिएशन, हीट आपकी बाहर एस्केप हो जाएगी एनर्जी, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा हो गया, कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। और कोल्ड होने की वजह से क्या है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या है कि एटमॉस्फेयर के रीज़न में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज